जी। और आप देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना, एग्जैक्टली निफ्टी स्ट्राइक करता हुआ 25,020 को, अभी हर्षदा में क्या बात कर रहे थे, 25,020, क्या हम इस 25,000 करोड़ के कोलाइटर के जोन के ऊपर जाएंगे? अभी अभी टिक लगाया एग्जैक्टली 25,020। मीनवाइल अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। इस वक्त तो जो मुझे पसंद है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में करीब 6 दिन का एक साइडवेज मूव मिला, उसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर गया, ट्रेड करा है 2775 पर, स्टॉप होगा 2750, करीब 25 रुपए का टारगेट मुझे पसंद आ रहे हैं, करीब 2830 के। यस, ग्रासिम पर ध्यान देना चाहिए, हो सकता है कल तक स्पिलो, लेकिन ग्रासिम एक अपू है। ग्रासिम पर आपका ध्यान और तेजी की पोजीशन, 2830 तक ये स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। मानस नमस्कार, आपका ट्रेड? जी तो देखिए, एफएमसीजी में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने जहां पर बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है। कल गोदरेज सीपी में 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तो वहां पर एक बीटीएसटी रिकमेंडेशन था। आज मेरे ख्याल से डाबर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आई थिंक डाबर ने एक बॉटम बनाया है 560-565 की रेंज में, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, 572 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 590 जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है तो वही वही टारगेट होंगे, तो 590 के टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहें तो 580 का कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी की जा सकती है, 6 रुपए के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, यहाँ पे आपने एक ट्रेड पिक किया। अच्छा मानस, बस एक बात पूछूंगा आपसे, ये गोदरेज सीपी का आपने क्लोजिंग में पिक किया था ना, आप ही ने पिक किया था ना गोदरेज सीपी लॉन्ग कॉल? जी, तो इसमें जो फ्यूचर में बीटीएसटी का रिकमेंडेशन था 1370 के टारगेट में शिफ्ट थे कल, तो वो आई थिंक 1368 के आसपास के हाईज बने आज। जी, मैं उसी बात को आई थिंक जो फैक्ट यहाँ पे कहना चाह रहा था कि मानस ने कल एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रा कॉल लिया था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल में गोदरेज सीपी पे, और अब वो डाबर पे भी आई थिंक उसी थ्योरी पे काम करते हुए। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नज़र फ्रेंकली ग्रासिम पे ही थी, लेकिन ग्रासिम के बाद मुझे कुछ अच्छा लगता है, दैट इज डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, मुझे लगता है 6800 तक का टारगेट यहाँ पे लेंगे, 6725 के आसपास का यहाँ पे बाय बनता है, तो 6700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 6800 का टारगेट। इट्स अ बाय इन डॉक्टर रेड्डीज, 6800 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड। सुदीप नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। हर्षदा जी, मुझे लग रहा है कि वोल्टास में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, एक अच्छे अप ट्रेंड जो कि मिड अगस्त में स्टार्ट हुआ था, 1550 के आसपास से 1930 तक स्टॉक चला था सितंबर मिड तक, उसके बाद थोड़ा हमने देखा कंसोलिडेशन हो रहा था स्टॉक कुछ दिनों तक, अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, पर वहां पे भी 1750 से लेकर 1800 के बीच में स्टॉक ने एक बेस बनाया, और आज एक बड़ा एक मोमेंटम भी स्टॉक में दिख रहा है, और बड़ी कैंडल के साथ स्टॉक ने वो जो पिछले 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसमें से ब्रेकआउट देकर अब सस्टेन कर रहा है ऊपर के साइड, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1860 के स्टॉप लॉस के साथ 1930 के टारगेट्स आ सकते हैं वोल्टास में, तो अभी और थोड़ी डिप में बाय कर सकते हैं। ओके, वोल्टास 1884 पे याद रखिएगा, बस थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान रखिएगा, ये बाय ऑन डिप्स की अप्रोच है, क्योंकि ये ऑलरेडी आज का सेकेंड टॉप गिनर है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। मीनवाइल डॉक्टर साहब एक स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पे, दैट्स रिलायंस, याद रखिएगा निफ्टी में जो